ओम गणेश हर हर महादेव इस शुक्रवार को अर्थात 9 अगस्त को हस्त नक्षत्र युक्त शुक्रवार है उस दिन कुमार योग है उस दिन रवि योग भी है उस दिन स्थिर योग आदि भी है तो यह जो दिवस है वह माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु तो बहुत ही अद्भुत कहलाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कई कई जगहों पर कई कई प्रांत में महालक्ष्मी जी का स्थापन किया जाता है अर्थात चौकी लगाई जाती है और फिर महालक्ष्मी जी की सोलह उपचार पूजा आदि की जाती है आप क्या कर सकते हैं घर पर क्या करना चाहिए वो आज मैं सरल और सहज कुछ कुछ उपाय और विधान आपको श्रवण करवाऊंगा बताऊंगा अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा महालक्ष्मी जी की जिनको भी कृपा प्राप्त करनी हो अर्थात सभी को कृपा महालक्ष्मी जी की चाहिए तो महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति है तो उनको प्रसन्न करने है तो इस शुक्रवार प्रातः काल सूर्योदय से लेकर रात्रि के मध्य रात्रि के दो बजे तक करीब करीब के अनुसार पकड़ के चलिए ढाई से पौने तीन बजे तक दो उनचास तक है हस्त नक्षत्र तो सुबह से लेकर रात्रि काल तक किसी भी समय अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की सोलह उपचार पूजा या तो आप स्वयं कीजिए स्वयं करने में सशक्त ना हो और अगर आप सशक्त है तो आप अपने घर पर ही श्री यंत्र की सोलह उपचार पूजा आप किसी विद्वान पंडित जी से करवाइए वो भी ना कर पाए कोई चिंता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास श्री यंत्र है या महालक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आपको क्या करना है प्रातः काल से लेकर सायं काल किसी भी समय सबसे पहले आप जो बेसिक कर्म करते हो आसन पर बैठना आचमन आदि करना वो एक बेसिक क्रिया है तो उसके बाद क्या करना है कि महालक्ष्मी जी के सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें महालक्ष्मी जी का मतलब है श्रीयंत्र भी उसमें आ गया श्री यंत्र के सामने गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें जो लक्ष्मी यंत्र अर्थात श्री यंत्र की राइट हैंड साइड में होगा हमारी बाई और होगा और भगवान की दाई और होगा तो वो कीजिए उसमें थोड़ा सा एक या दो तंतु थोड़ा सा केसर उसमें मिश्रित कीजिए जो गौ माता के घी का दिया आपने प्रज्वलित किया है उसमें साइड में घी में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए ये सबसे पहला उपाय है जो लक्ष्मी जी को दीपदान करना दूसरा उपाय क्या है कि महालक्ष्मी जी को श्रीखंड का भोग लगाइए बाद में आप उस भोग को प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हो तीसरा उपाय है कि अगर श्रीखंड का भोग न लगाए तो आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई लाइए और मिठाई का भोग लगाइए या फिर आप घर में ही खीर भी बनाकर श्री यंत्र को भोग लगा सकते हो ये एक और उपाय है इसके अलावा जो श्रेष्ठ जो अद्भुत जो भगवान को प्रिय है जो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ यंत्र के ऊपर अंगूर का रस या फिर गन्ने का रस या फिर अनार का दाड़िम का रस ये तीनों में से कोई भी एक रस लीजिए आप चाहे तो तीनों भी ले सकते हैं बारी बारी और श्री यंत्र के ऊपर केवल सोलह पाठ श्री सुक्तम के पढ़ते हुए अभिषेक कर लीजिए बाद में यह जो रस है वह किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए अभिषेक कर लेने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को स्नान आदि करवाइए उनको स्वच्छ कपड़े से पहुँच कर जहाँ पर भी आप मंदिर में रखते हो श्री यंत्र वहाँ वापस रख लीजिए और उनके ऊपर ये ध्यान से सुनिएगा उस यंत्र के ऊपर चंदन से टीका लगाइए उसके ऊपर कुमकुम से टीका लगाइए थोड़ा सा जो केसर है सिर्फ केसर एक चुटकी जितना वह केसर श्री यंत्र को अर्पित कीजिए थोड़ी सी अगर केमिकल बिना की हल्दी हो या हल्दी की जो गठिया आती है जो प्योर हल्दी की वह भी आप एक दो अर्पण कर सकते हैं और अगर संभव है तो उस दिन श्री यंत्र के स्वरूप में जो लक्ष्मी जी विराजित है उनको आप चाहे तो कोई श्रृंगार आदि भी अर्पण कर सकते हो जैसे चुड़ियाला आदि या कोई भी श्रृंगार चुन्नी है चूड़ी आदि है फिर वो जो श्रृंगार है वो किसी भी दिन अर्थात फिर वो जो श्रृंगार है अगर संभव है तो उसी दिन या फिर दूसरे दिन छोटी बच्ची को वो आप दे दीजिएगा तो महालक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी इस प्रकार से इस हस्त नक्षत्र युक्त शुक्रवार युक्त यह जो महान योग बन रहा है माता रानी को प्रसन्न करने का महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का अद्भुत योग है और अगर महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी तो ऐसे समय में ऐसे योगों में तो अवश्य महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो ही जाती है इसके अलावा मैंने कहा ना कि अगर आप सोलह उपचार पूजा करते हैं या करवाते हैं किसी भी विद्वान ब्राह्मण से तो फिर वो एक प्रॉपर क्रम होगा कि अच्छी तरह से पूजा होगी स्थापना आदि किया जाएगा फलों का भोग लगाया जाएगा नैवेद्य आदि होगा अंत में महालक्ष्मी जी की आरती भी होगी सब कुछ होगा लेकिन वो ना कर पाए तो मैंने जो आपको बताया अगर इतना भी आप करेंगे तो भी लक्ष्मी जी की आवश्यक पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और वो 9 अगस्त इस बार शुक्रवार को है सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक है और सिर्फ यह योग नहीं बन रहा है उसके साथ रवि योग भी है कुमार योग आदि भी है स्थिर योग आदि भी है तो बहुत सारे योग हैं तो हस्त नक्षत्र युक्त शुक्रवार 9 अगस्त अवश्य महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति है तो यह प्रयोग आप कर सकते हो ओम गणेश हर हर महादेव जय श्रिया